अब ये अपेरेंट पावर, रियल पावर और एक्टिव पावर क्या होती है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। और इन तीनों पावर से मिलके ही क्या बनता है, पावर ट्रेंगल। तो ये जो पावर ट्रेंगल है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो वन बाय वन तीनों तरह की पावर्स को देखते हैं हम। पहली है हमारी अपेरेंट पावर। अब अपेरेंट पावर को डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट, इट इज डिनोटेड बाय एस। तो आप हमेशा ध्यान रखना, ये जो इसको डिनोट किससे करेंगे, एस से, और वी इंटू आई, ये जो प्रोडक्ट होता है, दिस इज कॉल्ड अपेरेंट पावर। ओके, और ये आरएमएस वैल्यूज है। तो ये फॉर्मूला नोट कर लेना, एस इज इक्वल टू वी इंटू आई। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसको मेजर कैसे करते हैं, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज किलो वोल्ट एम्पियर। इस तरह की रेटिंग होती है इस पावर के लिए। इससे तो आ गया आपका वोल्ट, क्योंकि तो वोल्टेज वोल्ट में मेजर होता है, करंट किसमें होता है, एम्पियर में मेजर होता है। ठीक है, और हम इसमें मेजर करते हैं इस पावर को किलो वोल्ट एम्पियर में। ठीक है, तो इस तरह से यूनिट मिल जाएगी आपको, किलो वोल्ट एम्पियर यहाँ पे मेंशन किया है मैंने। सेकेंड पावर है हमारी रियल पावर। अब इस रियल पावर को हम ट्रू पावर भी बोलते हैं, और इसे एक्टिव पावर भी बोला जाता है। तो तीनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और कई बार इसका सिंबल पी से भी डिनोट करते हैं और डब्ल्यू से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप वैसे पी याद रखें, है ना, इसका सिंबल क्या होता है, इसको पी से डिनोट करते हैं। तो इसको डिफाइन करते हैं, इट इज द पावर विच इज एक्चुअली डिसिपेटेड इन द सर्किट रेजिस्टेंस। ठीक है, इतनी एक्चुअल पावर डिसिपेट होती है। सो दिस एक्टिव पावर इज इक्वल टू अपेरेंट पावर मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर, एंड दिस पी इज इक्वल टू वी आई कॉस ऑफ फाइव। इसको फाइव कर लेना, वॉट्स और किलो वॉट। अब इस पावर को समझिए यार, इसको डिनोट किससे कर रहे हैं हम, पी से। इस पावर का फार्मूला होता है वी आई कॉस ऑफ फाइव। वी आई को क्या बोलते हैं हम, अपेरेंट पावर मल्टीप्लाइड बाय दिस इज व्हाट, इट्स अ पावर फैक्टर। इसलिए हमने क्या किस तरह से लिखा है इसको, पी इज इक्वल टू अपेरेंट पावर मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर। और इस पावर को हम मेजर किसमें करते हैं, वाट में, लेकिन जब इसको किलो में मेजर कर रहे थे, इसको भी हम किलो वाट में मेजर करेंगे। तो के डब्ल्यू, इस तरह से इसकी यूनिट आपको मिल जाएगी। अब थर्ड नंबर की पावर है हमारी रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिएक्टिव पावर जनरली रिएक्टिव कंपोनेंट्स में होती है। ठीक है, तो इट इज द पावर डेवलप इन द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। अब क्योंकि यहाँ पर आर एल सर्किट है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर इस इंडक्टिव इंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो इसमें कितनी डेवलप हो रही है, वो आपकी रहेगी रिएक्टिव पावर। और इसको निकालने का तरीका क्या होगा, जैसे आप पावर निकालते थे आई स्क्वेयर आर, सेम पैटर्न में निकालेंगे आई स्क्वेयर एक्सएल। क्योंकि आर की यूनिट क्या होती है, ओम, ये भी करंट का अपोज करता है, ये रिएक्टेंस भी अपोज करता है। तो इस तरह से आप रिएक्टिव पावर निकाल सकते हैं। तो रिएक्टिव पावर क्यू इज गिवन बाय आई स्क्वेयर एक्सएल। एक्सएल मैंने आपको बताया था जेड साइन ऑफ फाइव, तो अभी हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था, तो यहाँ पे आपको ये समझाया था मैंने, याद कर लिया आप सब, एक्सएल इज इक्वल टू जेड साइन ऑफ फाइव, राइट। सो ये एक्स इक्वल टू कितना हो गया, जेड साइन ऑफ फाइव, यहाँ पे पुट कर दिया जेड साइन ऑफ फाइव। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आई को दो पार्ट में ब्रेक करा, एक आई ये रहा, एक आई इसके साथ हो गया, ये हो गया जेड इंटू आई साइन ऑफ फाइव। नाउ आई जेड क्या होता है, वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई जेड। तो यहाँ पर हमने इसके लिए क्या पुट कर दिया, वी। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो इसको रिप्लेस कर दिया हमने वी से, तो ये हो गया वी इंटू आई साइन ऑफ फाइव। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी होती है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। लास्ट में क्या लग जाता है, आर, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, अपेरेंट पावर की यूनिट क्या होती है, किलो वोल्ट एम्पियर। रियल पावर, एक्टिव पावर या ट्रू पावर की यूनिट क्या होती है, किलो वाट। रिएक्टिव पावर किस मेजर होता है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव मेजर होता है। इनके फॉर्मूले कुछ ही आ सकते हैं। तो आपकी अपेरेंट पावर क्या हो गई, एस इज इक्वल टू वी आई, देन रियल पावर क्या हो गई, वी आई कॉस ऑफ फाइव, रिएक्टिव पावर क्या हो गई, वी आई साइन ऑफ फाइव। अब इनके मीनिंग समझो, एक्चुअली जैसे कोई सर्किट है, ये है हमारा आर और ये है एल, और यहाँ पे लगा है सप्लाई, ये एसी सप्लाई, ये आर एल और एसी सप्लाई, करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई। ओके, सो अब अगर अपेरेंट पावर की बात करें, तो अपेरेंट पावर क्या करते हैं, हमने सप्लाई दिया और करंट,
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया वी इंटू आई, तो ये हो गई अपरेंट, मतलब ये अपीयर होती है, ऐसा लगता है कि ये टोटल पावर है वी आई, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अपरेंट पावर मतलब ये अपीयर होना, और जो रियल पावर डिसिपेट होती है वो किसके द्वारा मिलती है हमें, वी आई कॉस ऑफ फाई, इसलिए इसको रियल या एक्टिव पावर बोलते हैं। और इस इंडक्टिव कंपोनेंट में जो जा रही है वो हो जाएगी हमारी रिएक्टिव पावर, ठीक। तो अलग अलग तरीके से डिफाइन करा हमने, अब हम देख इन सब कंसेप्ट को यूज करके पावर ट्रेंगल बनाने वाले हैं, ओके। तो पावर ट्रेंगल अच्छे समझना, यहाँ पर क्या है कि दीज थ्री पावर्स आर शोन इन द पावर ट्रेंगल, तो इसके आगे का जो पार्ट है ना, ये जो डेरिवेशन मैंने कर रखा है, ये आपको पावर ट्रेंगल ड्रॉ करने के बाद समझ आएगा। तो पहले मैं पावर ट्रेंगल ड्रॉ करता हूँ, पहले पावर ट्रेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो पावर ट्रेंगल नेक्स्ट स्लाइड में है, ये आ गया पावर ट्रेंगल। अब देखिए आप यहाँ पे पावर ट्रेंगल को किस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, इसको समझना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर क्या किया हमने, इस यूनिट के अंदर फेजर वाला पार्ट ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है, आगे जाके ट्रांसफॉर्मर आएगा उसके भी फेजर वाला पार्ट ही कॉम्प्लेक्स रहेगा, लेकिन अगर आप एक बार बेसिक कंसेप्ट अच्छे से समझ लेते हो कि फेजर कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आपको आगे किसी टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं होगी और वर्किंग भी अच्छे से समझ सकते हो, है ना। उसको पूरा डिस्कशन करेंगे एक बार लास्ट में फिर से। तो यहाँ अभी पावर ट्रेंगल पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, फर्स्ट डायग्राम को देखो आप, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, है ना, इसको देखिए। हमने क्या करा, यहां पर लिया है V और यहां पर लिया है हमने ये I, है ना, इसको मैं यहां रिड्रॉ करता हूं, एक आर एल सर्किट बनाता हूं पहले मैं, ये R है, ये एक L सर्किट है, फिर यहाँ पर ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है। इसका फेजर भी समझाया था मैंने आपको, फेजर कैसे ड्रॉ कराया था, करंट को रिफरेंस माना, फिर यहाँ पे वी आर लिया, फिर यहाँ पर क्या लिया हमने, वी एल लिया, नहीं वी एल ऊपर था, है ना, इस सर्किट के अंदर वी एल ऊपर था, ये वी एल था, ये रिजल्टेंट आ रहा था, रिजल्टेंट की वैल्यू क्या थी, वी, ओके। ये फेजर ड्रॉ करवाया था अभी मैंने प्रीवियस क्लास में। अब क्या कीजिए आप, हटा देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा सा क्लॉकवाइज रोटेट करो, इस फेजर को, इस फेजर को जब क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो देखो V कैसा आ गया ऐसा, और I कहां चले गया, और इस V और I के बीच में जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है, इसी से हम क्या निकालते हैं, पावर फैक्टर। इसमें अगर कोई डाउट हो ना तो हैंड रेज कर देना। तो क्या किया है, ये फेजर तो आप ड्रॉ कर चुके थे, इस फेजर को क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो V यहाँ पे आ गया और I यहाँ पे आ गया, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, पाई। अब आप इस फर्स्ट डायग्राम को देखो, देखो V यहाँ पर है, I यहाँ पर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, पाई। अब आपने एक टेक्निक पढ़ी होगी कंपोनेंट रिजोल्व करना, ठीक है। तो इस I के अगर दो कंपोनेंट निकालो आप, तो एक तो आएगा इस एक्सिस पे आई कॉस फाई, क्योंकि जहां पे एंगल डिक्रीज होता है वहां पे कॉस फाई लग जाता है, जहां से एंगल इंक्रीज हो रहा है जिस पे एक्सिस पे, वहां आई साइन फाई आ जाएगा। तो इस आई के दो कंपोनेंट ले लिए हमने, आई कॉस फाई एंड आई साइन फाई, पूरी वर्किंग यहां पे लिखी हुई है नीचे, है ना, वो देख लेना आप लोग, मैं समझा देता हूं। तो अभी फिलहाल क्या किया हमने, फेजर को रोटेट किया क्लॉकवाइज, वी इधर आ गया, आई इधर आ गया, फिर हमने क्या किया यहां पे, आई के दो कंपोनेंट ले लिए, एक तो आई साइन फाई, दूसरा आई कॉस फाई, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं हम, ये करते हैं कि ये जो आई साइन फाई की जो लेंथ आ रही है ना, इसको इस तरफ भी ले सकते हैं हम, ये इसको ये ले सकते हैं ना, आई साइन फाई। तो हमने क्या किया, ये ट्रेंगल वाला पार्ट अलग कर लिया, ये बन गया ट्रेंगल, ठीक है, ए बी सी ट्रेंगल बन गया, और इस एक्सिस पे क्या चल रहा है, आई कॉस फाई, ये क्या आ गया यहाँ पे आई साइन फाई, और ये क्या है आपका आई, और ये है वी, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए किसी बच्चे ने हैंड रेस करा है तो
कोई डाउट हो तो आप विंडोज कर सकते हो ना, हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। होगा इसमें डाउट होता है फेजर में। तो ये हमारा सेकेंड डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब देखो सेकेंड से थर्ड डायग्राम कैसे बन रहा है ये वाला। अब क्या कर रहे हैं हम कि सभी एक्सिस में जो जो कंपोनेंट है उसमें हम किलो वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ भी किलो वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी किलो वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी किलो वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखिए ये वी आई कॉस फाई क्या है, वी आई कॉस फाई क्या थी आपकी रियल पावर, तो पी से डिनोट करो इसको, तो रियल पावर आ गई इस एक्सिस पे। वी आई साइन फाई क्या है, वी आई साइन फाई थी आपकी रिएक्टिव पावर, तो देखो यहाँ पे क्यू से डिनोट करा किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। यूनिट क्या थी उसकी, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, सबको किलो में ले रहे हैं इसलिए ये क्या हो जाएगा किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। यहाँ पे देखिए ये वी आई क्या थी आपकी अपेरेंट पावर, तो इसको एस से डिनोट करा, एस इज इक्वल टू कितना आ गया किलो वोल्ट एम्पियर। ओके तो ये है आपका फाइनल पावर ट्रायंगल, दिस इज कॉल्ड द पावर ट्रायंगल। और इस पावर ट्रायंगल को डिराइव कैसे करते हैं ये पूरा प्रोसेस बता दिया मैंने आपको फेजर के थ्रू। अब पावर ट्रायंगल में लगा दो पाइथागोरस, तो क्या हो जाएगा इस पावर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा एस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब प्रीवियस स्टेप देख लो यहाँ पे डेरिवेशन कर रखा है, एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, कैसे आया समझ आ गया होगा आपको, अंडर रूट ले लेते हैं अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। नाउ हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारी क्या है अपेरेंट पावर है किलो वोल्ट एम्पियर में, इज अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू स्क्वायर प्लस किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव और स्क्वायर। यहाँ पे देखिए अब हम डिराइव कर रहे हैं आर सी सीरीज सर्किट। आर सी सीरीज सर्किट में क्या करना है हमें, ये रहा सर्किट हमारा, एक R है हमारे पास, एक C है, सप्लाई लगा हुआ है V। देखो एक डेरिवेशन कर लो सब सिमिलर चल रहा है, तो V इज इक्वल टू कितना आ गया Vm sin of omega t। यहाँ पे ड्रॉप आ रहा है VR, यहाँ पे ड्रॉप आएगा इस बार VC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस से करंट आएगा, करंट फ्लो रहा है I, सीरीज में करंट सेम होता है दोनों में सेम जाएगा। अब बनाते हैं फेजर, करंट को लेंगे एज अ रेफरेंस, तो VR जो रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप है वो भी इसी एक्सिस पे आएगा क्योंकि दोनों कैसे रहते हैं सेम फेज में रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करता है, करंट आगे रहता है तो वोल्टेज को पीछे करना पड़ेगा, तो देखो इस बार वोल्टेज को पीछे कर दिया हमने, तो बीसी कहाँ पे आएगा, बीसी नीचे आएगा डाउनवर्ड आएगा, और बीसी और आई में एंगल कितना रहेगा, यहाँ पर बीसी और आई में एंगल रहेगा 90 का, राइट। अब यहाँ पर दो वोल्टेज ड्रॉप है, एक तो वी आर है और एक बीसी है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो बीच में से निकलेगा, ये रिजल्टेंट आ गया V, this will be equal to IZ। इंडक्टिव सर्किट के केस में रिजल्टेंट ऊपर जा रहा था, यहाँ पर रिजल्टेंट क्या होगा नीचे आ रहा है, got it? अब इसमें से इंपीडेंस एंगल को अलग करेंगे, तो इस BC को हम यहाँ पर भी ले सकते हैं, ओके? तो देखो इंपीडेंस एंगल अलग कर दिया मैंने, तो ये VR, ये हो गया V, ये हो गया VC, और ये हो गया एंगल phi, यहाँ पे आ रहा है करंट I। अब इसका डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं हम, टेन फाइव से, सब कुछ इम्पीडेंस एंगल से फार्मूला बना सकते हो आप। देखें इम्पीडेंस एंगल, इम्पीडेंस एंगल बड़े कमाल की चीज है यहाँ पे, तो ये इम्पीडेंस एंगल में देखो आप टेन फाइव अगर लिखना है तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है बी सी, बेस कितना है बी आर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बी सी बाय बी आर करेंगे, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस इज इक्वल टू टेन फाइव। बी सी क्या होता है आई इंटू एक्स सी, बी आर क्या होता है आई इंटू आर, आई से आई कैंसल एक्स सी बाय आर, तो फाई की वैल्यू क्या आई टेन इनवर्स एक्स सी बाय आर, तो यहां से फेज एंगल निकाल सकते हो आप, दिस विल हेल्प यू टू डिटरमाइन द पावर फैक्टर, सो फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स सी बाय आर। नाउ अब ये वी इज इक्वल टू, ये कैसे आया, ये ऐसे आया हम जानते हैं वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, कहां से इंपीडेंस ट्रायंगल से, क्या लगाया पाइथागोरस थ्योरम, सो वी इज इक्वल टू दिस, यहां पे स्क्वायर इधर ले जाएंगे अंडर रूट हो जाएगा, वी आर की वैल्यू पुट करो आई आर, बी सी की वैल्यू पुट करो आई सी, सिंपलीफाई करो वी इज इक्वल टू आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, इसकी जगह जेड पुट कर दो। अब देखिए इस बार जेड क्या हुआ, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, सर्किट टू सर्किट डिपेंड करेगा, जब एक आर था और एक एल था तो जेड की वैल्यू क्या थी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, अब एक आर है और एक सी है तो जेड की वैल्यू क्या है अंडर रूट
r square plus xc square. Got it? Where xc is what? Xc is capacitive reactance is equal to 1 upon omega c. So this is the impedance of the circuit. यहाँ पर नाम यही रहेगा इसका इम्पीडेंस है ना, बस फार्मूले बदल जाते हैं सर्किट टू सर्किट. अब इन वेवफॉर्म्स को देखिए आप, यहाँ पर सबसे पहले कौन सी वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहे हैं हम, कलर चेंज कर लेते हैं. यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले कौन सी वोल्टेज वेवफॉर्म ड्रा होगी, वोल्टेज की, क्योंकि v इज इक्वल टू क्या होता है, vm sin ऑफ ओमेगा t, ये तो कांस्टेंट चलेगी ना, ये सप्लाई दे रहे हैं तो जीरो से स्टार्ट हुई साइन वेव, ये गई ऐसी, फिर यहाँ से ऐसी गई, फिर ऐसी गई, इसने अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर ली, यहाँ पे कंप्लीट हो गई. तो v इज इक्वल टू vm sin ओमेगा t. अब बताइए करंट आगे की पीछे, करंट इस सर्किट में आगे रहता है, करंट लीड करता है, करंट डील करेगा तो देखो करंट इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, या बैक में अगर देखें इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, एंगल डिफरेंस देखें तो फाइ, तो करंट कितना आगे चल रहा है, फाइ एंगल से आगे चल रहा है तो ये करंट. लेकिन करंट का मैग्नीट्यूड क्या रहता है, वोल्टेज से कम रहता है. क्यों? क्योंकि इम्पीडेंस से डिवाइड होता है, वो रिएक्टेंस से डिवाइड होता है, इम्पीडेंस से डिवाइड होता है. तो ये आपका प्लॉट बना दिया हमने, तो वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म बना दी इस तरह के सर्किट के लिए, है ना. इस एक्सिस पे वी और आई ले लेना, इस एक्सिस पे टाइम और एंगल. अब यहाँ पर भी क्या करने वाले हैं हम, पावर कैलकुलेट करेंगे, जैसा हमने किस सर्किट में किया था, इंडक्टिव सर्किट में किया था. तो यहाँ पे हम करने वाले हैं कैलकुलेट पावर. तो चलिए पावर कैलकुलेट करते हैं. वी नो दैट v इज इक्वल टू vm sin ओमेगा t, अप्लाई तो किया है ना इसको, तो i क्या होना चाहिए, im sin ओमेगा t प्लस phi. देखो प्रीवियस डेरिवेशन में क्या किया था, ओमेगा टी माइनस फाइव, जो कि इंडक्टिव केस था, यहाँ पे कैपेसिटी वाला केस है, करंट लीड करेगा तो प्लस साइन आएगा, तो ये हो गया ओमेगा टी प्लस फाइव. एज आई लीड्स द वोल्टेज, द इंस्टेंटेनियस पावर इज गिवन बाय पी इज इक्वल टू वी इनटू आई. वी की वैल्यू पुट कर दो वीएम साइन ओमेगा टी, आई की वैल्यू पुट कर दो आईएम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. इसको वैसे ही सिंप्लीफाई करना है जैसे आपने प्रीवियस डेरिवेशन में किया था. तो यहाँ पर Vm Im इधर ले लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, साइन ओमेगा टी एज इट इज, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो ये वाली स्टेप आ जाएगी. अब कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा, तो ये स्टेप आ गई कॉस ऑफ फाइव माइनस ऑफ कॉस ऑफ टू ओमेगा टी प्लस फाइव. ये फटाफट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये डेरिवेशन ऑलरेडी करा चुका हूँ इस तरह का. अब यहाँ पे दो टर्म है cos phi और ये एक साइनसोइडल टर्म है, यहाँ पे 2 ओमेगा टी आ रहा है ना, फ्रीक्वेंसी भी आ रही है, तो ये एक साइनसोइडल टर्म है. अब अगर इस पावर का एवरेज लेंगे तो ये टर्म कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगी, जीरो, क्योंकि एक साइनसोइडल टर्म है. ठीक है, द सेकंड टर्म इज अ कोसाइन टर्म वेयर एवरेज वैल्यू ओवर कंप्लीट साइकिल इज जीरो. Hence, average power consumed by the circuit is, अब average power किसके लिए द्वारा दी जाएगी, सिर्फ इस component के द्वारा. तो power का formula क्या होगा, power का formula आ जाएगा आपके पास P average equal to Vm Im cos of phi. Previous derivation एक बार check कर लेना, है ना, उसमें समझाया मैंने आपको कि Vm Im by 2 cos of phi कैसे आता है. इसको break करें 2 को under root 2 under root 2 में, तो ये हो गया Vrms, ये हो गया Irms. तो VI RMS, I RMS cos phi, तो VI cos phi. Power का formula same है. Whether it is R L circuit or whether it is R C circuit, power is given by V RMS into I RMS into cos phi. R L C circuit, R L C series circuit, लगाया R, फिर L, फिर C, तीनों को series में लगाया, फिर इनके series में लगा दी battery, इसका supply कितना है, V is equal to V in sin of omega t. यहाँ से एक ही करंट फ्लो होगा आई, तीनों में सेम करंट फ्लो होगा क्योंकि ये किसमें है, सीरीज में, और सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है. आप फेजर अच्छे से समझना, ठीक है, सारा खेल किसका रहता है, फेजर डायग्राम का. चलिए तो मैं लिंक ब्रेक नहीं करता हूँ, आप लोग चैट बॉक्स में अटेंडेंस डाल दो, लास्ट के 5 मिनट्स में स्क्रीनशॉट ले लूंगा. बनाए फेजर, तो फेजर बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है क्या है, सबसे पहले ड्रॉ करो करंट, कर दिया,
फिर करंट ड्रॉ करने के बाद किसको लिया हो, या रजिस्टर वाला वोल्टेज लिया हो, ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, सीधे सीधे आ जाता है बेचारा। तो ये वी आर आ गया किसके साथ, आई के साथ सेम फेज में आ गया, गॉट इट। तो ये हो गया हमारा वी आर। अब वी एल किधर आएगा, वी एल तो ऊपर ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इंडक्टर के केस में जो वी एल रहता है वो करंट से आगे निकल जाता है, लीड करता है, इसलिए वी एल हमने यहां पर ले लिया। अब बीसी की बात करते हैं, बीसी किधर आएगा, नीचे आएगा। क्यों, क्योंकि इस बार वोल्टेज पीछे रहेगा, कैपेसिटर की जब भी बात करेंगे तो कौन पीछे रहेगा, वोल्टेज, वोल्टेज लैग करेगा। दो वर्ड याद रखना, लैग और लीड, लीड मतलब आगे, लैग मतलब पीछे, है ना, ये लीड लैग वाला ही पूरा खेल है, पड़ गया इतना। अब इस सर्किट में क्या होगा, इन दोनों के बीच में फाइट होगी। अब ये क्या करेगा एल, ये ओवरऑल सर्किट में जो नेट वोल्टेज आएगा रिजल्टेंट, उसको करंट से आगे निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन ये क्या करेगा, ये क्या करने वाला है, ये तो करंट से पीछे रहता है हमेशा, ठीक है, तो ये पीछे करने की कोशिश करेगा। तो इसका क्या किया जाए, फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, अलग अलग केसेस बना लेते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट हम ये बोलते हैं व्हेन एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, है ना, यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ मैं। केस नंबर फर्स्ट, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, आई एक्सएल इज ग्रेटर देन आई एक्ससी। तो ये आई एक्सएल क्या होता है, वी एल इज ग्रेटर देन वी सी। इसका मतलब इंडक्टर के अक्रॉस जब वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप होने वाले वोल्टेज से ज्यादा हो तो डोमिनेंट कौन रहेगा, डोमिनेंट रहेगा आपका इंडक्टर, और इंडक्टर डोमिनेंट रहेगा तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, ऊपर। ये देखो, तो ये केस कौन सा है, ये केस फर्स्ट है। ये जो फेजर डायग्राम बनाया है मैंने, केस फर्स्ट के लिए बनाया है। डोमिनेंट कौन है यहाँ पे, इंडक्टर, ठीक है। तो ये कितना है, वी एल माइनस वी सी। जब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी, और दोनों का साइन अपोजिट रहता है, एक आगे चलता है एक पीछे चलता है, तो रिजल्टेंट कितना हुआ, वी एल माइनस वी सी। और इस केस में रिजल्टेंट ऊपर आएगा, ठीक है, वी एल माइनस वी सी। और वी एल माइनस वी सी और वी आर का जो रिजल्टेंट है बीच में से निकलेगा यहाँ से, और क्या देगा, वी इज इक्वल टू आई जे, गॉट इट। ये थ्योरेटिकल पॉइंट जरा पढ़ लेना, तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है सारी, द सर्किट ड्रॉज आई ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर एल सी, तो वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस आई आर हो गया, इसके अक्रॉस आई एक्स एल हो गया, इसके अक्रॉस आई एक्स सी हो गया, गॉट इट। अब फिर क्या करा हमने, फिर क्या करा, क्या करा, ये एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी वाला केस ले लिया, ठीक है। जब एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी वाला केस लेंगे क्या हो जाएगा, व्हेन इंडक्टिव रिएक्टेंस इज मोर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये समझाया पॉइंट, तो सर्किट विल इफेक्टिवली बी इंडक्टिव नेचर, सर्किट इंडक्टिव रहेगा इफेक्टिवली। So the resultant of VL and VC will be VL minus VC. देखो VL minus VC आ जाएगा resultant. So that V is the phasor sum of VR and VL minus VC. तो इन दो, ये जो बीच में से निकल रहा है ना, इनका phasor sum होगा. अब equation कैसी बनेगी? Power triangle कैसा बनेगा? देखो triangle अलग करें यहाँ से. चलो triangle अलग कर देते हैं. जब आप triangle अलग करोगे ना, तो इस तरह से कुछ अलग हो जाएगा वो. ये आ जाएगा इस प्रकार से. ये तो आ गया resultant V. और यहाँ पर चल रहा था ना ये वी एल माइनस वी सी, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, वी एल माइनस वी सी, और यहाँ तो क्या है आपका वी आर, राइट। तो लगा दो पाइथागोरस, तो ये आ गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वी आर का स्क्वायर एंड देन दिस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, देखो ये स्टेप सब कर सकते हो आप, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको मिलेगा ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा वी इक्वल टू आई जेड। तो यहाँ से जेड क्या आया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर। तो एक आरएलसी सर्किट की अगर बात करें और उसमें अगर एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी है तो इम्पीडेंस ये आएगा, ठीक है। और टेन फाई क्या होगा, वीएल माइनस वीसी बाय आर, यहाँ से इम्पीडेंस एंगल से निकाल लेना फाई, ये फाई इन दोनों के बीच में एंगल, क्योंकि यहाँ पे करंट है। तो ये आ गया फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर, गॉट इट। अगला केस, When x is greater than xl, तो इसका डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट फार्मूला ये। इस बार क्या होगा, xc minus xl हो जाएगा। तो z equal to आ जाएगा under root r square plus xc minus xl का whole square। phi क्या आ जाएगा, यहाँ भी xc minus xl, ठीक है, जब ये डोमिनेट रहेगा। अब फेजर क्या हो जाएगा, देखो फेजर i यहाँ पर लिया, vr यहाँ पे लिया, vl यहाँ लिया, vc यहाँ लिया,
तो इस बार डोमिनेंट कौन है? वीसी सर्किट के साथ आएगा, कैपेसिटिव इन नेचर, तो नीचे क्या आएगा? वीसी माइनस वीएल आ गया, वीसी माइनस वीएल, तो ये वीआर आ रहा है, ये वीसी माइनस वीएल आ रहा है, रिजल्टेंट किधर खिसक गया? इधर नीचे आ गया, ठीक है। तो दोनों केस में अलग अलग फेजर बनेंगे। अब ये इधर रिजल्टेंट आ रहा है, तो यहाँ से इंपीडेंस एंगल निकाल लें, चलो निकाल लेते हैं। ये आ गया वी, ये आ गया वी आर, फिर यहाँ पे ये क्या आ गया? वी सी माइनस वी एल, गॉट इट। अब इसका एक थर्ड केस होता है, थर्ड केस में क्या होता है? एक्सएल माइनस एक्स सी। तो ये आपका होमवर्क है बच्चों, है ना, इसको ट्राई करना है क्या होगा इस केस में फॉर्मूले।